हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीएस प्यास एंड ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारा जो बाइक है ऑटोमेटिक चलते चलते कहीं भी ऑटोमेटिक हमारा बाइक का कंप्रेसर है जो चला जाता है। तो फ्रेंड्स, कंप्रेसर जाने का कारण क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कंप्रेसर जाने का क्या कारण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आइए हम बताते हैं कि हमारे बाइक का है जो कंप्रेसर ऑटोमेटिक क्यों चला रहता है। फ्रेंड्स, आजकल जो हम पेट्रोलियम जो पेट्रोल भराते हैं वो पेट्रोल बहुत किस्म का आता है। तो फ्रेंड्स, फ्यूल है जो दो तीन प्रकार के आते हैं। तो कुछ फ्यूल होते हैं कि रूखा टाइप होता है, कुछ चिकनाहट आता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को पता नहीं होता है कि कौन रूखा है कौन चिकना होता है। तो ये जो चिकना होता है वो तो हमारे बाइक के लिए बहुत बेटर होता है, लेकिन ये जो रूखा वाला होता है इससे क्या होता है, हमारे जो बाइक का जो पिस्टन है वहां पे जो कंप्रेसर जो बनाता है वो कंप्रेसर है जो लो हो जाता है। उससे क्या होता है कि हमारे बाइक का क्लच, गियर और जो किक रहता है एकदम पूरा पूरा जो है वो फ्री हो जाता है। तो हम लोग कुछ भी करने का स्टार्ट करने का कोशिश बहुत करते हैं फिर भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को यही बताना चाहते हैं कि अगर आप कभी भी बाइक को सर्विसिंग कराने जाएं तो वहां से एक टूटी वायल मांग सकते हैं। जिस वो टूटी वायल, तो वो टूटी वायल को क्या करें, तो वो टूटी वायल को आप वायल को अगर आपके फ्यूल टैंक में अगर मिनिमम आपके पेट्रोल 3 से 4 लीटर है तो उसमें एक टूटी वायल डलवा दें। या गाइज, आप पेट्रोल पंप पर भी क्या होता है कि आपको बोलता है सर ये माइलेज डलवा लीजिए इससे आपका माइलेज बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप वहां से भी वो परचेज कर सकते हैं और उसको अपने टंकी में डाल सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारे जो बाइक का जो कंप्रेसर है वो बना रहता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।